हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था जो समांतर श्रेणी हम लोग चैप्टर चल रहा है वर्ग 10 का मैथ, इसमें मैंने आपको सवाल नंबर 28 से 29 तक किए थे, ठीक है। आज के 29 तक हम लोग क्लियर हो चुका जो स्टूडेंट का मैथ है। इसमें सवाल नंबर 30 से आज मैं आपको 30 से 31 32 33 जो है आज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जो भी वीडियो है सभी सवाल बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। कि सीएपी में चौथे एवं आठवें पद का योग, एपी तो पता नहीं है तो पहले मान लिया जाए, माना कि एपी का प्रथम पद तो पता नहीं है ना, सार्वभौमिक पता है ये भी पता नहीं है, तो पहले प्रथम पद और सार्वभौमिक क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। सवाल नंबर 29 माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वभौमिक का मान लिए, सार्वभौमिक बराबर डी का मान लिया बाबू, मैंने सार्वभौमिक क्या माना डी, ठीक है। चूंकि टीएन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो सबको पता है। कह रहा है कि एपी का देखिएगा प्रश्न से टी चार यानी चौथा पद और कौन सी है आठवां पद टी आठ मिलाए कितना है जी राजा बाबू, 24 है। कितना है भाई जी? 24 है, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस तीन डी, कल बताया गया था यानी कि क्या पिछले वीडियो में आपको बताए थे। चलिए टी आठ को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सात डी बराबर कितना आ गया 24 मेरे भाई। देखिए ए प्लस तीन डी और प्लस केवल कोई हटा दिए, ए प्लस का चीज सात डी बराबर का आया 24, कितना हो गया ए ए ए गो एक गो है दो और सात तीन 10 डी बराबर 24। ए मेरे भाई दोनों में से क्या कम निकल जाएगा, दो निकल जाएगा ए और पाँच दो के 10 बराबर का आया 24। अच्छा ये बताइए मेरे भाई ये कटा नहीं सकते, 12 ना के 24 तो आएगा ए प्लस 5 डी बराबर 12 समीकरण एक। फिर आगे सवाल में कह रहा है छठे और लेकिन पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या तो कह रहा है प्रश्न में छठा पद टी छ प्लस टी 10 मिला के कितना मिला के है ये मिला के है कितना 44 कितना है 44, ठीक है। चलिए आगे देखिए आंसर, या टी छ तो लिख सकते हैं रखे ए प्लस 5 डी प्लस के लिख सकते हैं क्या ए प्लस कोष्ट में ले लीजिए ए प्लस 9 डी बराबर कितना 44 या ए प्लस 5 डी प्लस ए प्लस 9 डी बस केवल कोष्ट में से निकाल दिए बराबर 44। एक गो है दो गो है 5 और 9 5 14 डी बराबर 44, दोनों में से कमा ली ए प्लस 7 डी बराबर 44 कितना बन 22 दुना 44 यानी कि ए प्लस कितना डी आ गया 7 डी बराबर का आया 22 समीकरण दो। क्या मान लिया समीकरण दो, अब समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए यानी समीकरण एक में से दो को घटाने पर ठीक है घटा रहे हैं तो ए प्लस 5 डी बराबर का है 12, ए प्लस 7 डी बराबर कितना है 22 माइनस। काहे के आपको पता है कि जब घटाते हैं तो क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं। चलिए इसको कटा रहे हैं, ए में से ए गया क्या बचा 0, 7 में से 5 गया माइनस 2 डी आई होगा माइनस 10। अब बाबू ये मेरे भाई ए से ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो गया और डी बराबर हो गया 10/2 2 5 10 यानी डी का मान कितना आया 5 कितना आया 5 आ गया कितना आ गया 5 लिखेंगे मेरे भाई डी का मान समीकरण
एक में रखने पर, ठीक है, ए के बराबर है। एक हम लोग देखिए है ए प्लस पाँच जी, ए प्लस पाँच गुने पाँच बराबर कितना बारह, या ए बराबर बारह माइ। चलिए फिर से देखिए, चलिए ए प्लस पचास पच्चीस बराबर कितना बारह, या ए बराबर बारह माइनस पच्चीस कितना आया माइनस तेरह, ए का मान का आया माइनस तेरह। चलिए अब का निकालना है, हमें तीन को पद निकालना है, इसलिए टी वन बराबर का आया ए कितना माइनस तेरह, टी टू बराबर था ए प्लस डी, तो क्या हो गया माइनस तेरह और प्लस पाँच घटेगा तो कितना, तेरह में से पाँच ये आठ पाँच तेरह होगी कोची में माइनस में माइनस आठ, ठीक है। टी थ्री बराबर ए प्लस दो डी, ए का मान माइनस तेरह प्लस दो गुने पाँच माइनस तेरह प्लस दस कितना आया माइनस तीस, इसलिए अनुक्रम बराबर, अनुक्रम बराबर, अनुक्रम कहा जाएगा हम लोगों के पास, अनुक्रम हो जाएगा माइनस तेरह माइनस आठ माइनस तीन, यही हम लोग कह रहे हैं कि आगामी तीन पद को मतलब आगे अनुक्रम का तीन को पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से बढ़िया समझ में आएगा, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे सवाल बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर तीस, इकतीस हो गया, इकतीस नंबर कह रहा है कि व्यक्ति की एक आदमी की नियुक्ति सात सौ रुपया चालीस रुपया सात सौ चालीस एक सौ पचास के वेतन पान पर हुई, बताए कि कितने वर्षों में वह अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। चलिए बाबू यहां पर देखिए कई नंबर सवाल हम लोग का, इकतीस नंबर, यहां चूंकि कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है कि आदमी की नियुक्ति 700 आदमी ने 700 रुपए यानी 40 बार प्रति वर्ष बरसती होती है, लेकिन चूंकि आदमी की नियुक्ति 700 रुपया पर होती है, 700 रुपया पर होती है और प्रतिवर्ष 40 रुपये की बढ़ोतरी होती है, कितना रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी 40 रुपये का, कितना रुपये का 40 रुपये का, इसलिए ए बराबर का आया 700 आप पढ़ते रहेंगे पहला बार एक माने 2007 में 2021 है 2021 में हुआ 700 रुपये, 700 रुपये लग गया 22 में गया तो 40 रुपये और बढ़ गया 740 यानी कि क्या बढ़ा है डी बढ़ा है, डी कितना हो गया 40 और अंतिम वर्ष में कितना बच लास्ट में कह रहा है क्या 1500 रुपये वेतन मान पर हुई, यानी कह रहा है कि 1500 टी एन मान लीजिए कौन चाहिए 1500 रुपया, तो चूंकि टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का वैल्यू 1500 बराबर कितना वर्ष में 1500 रुपया पहुंचेगा, ये कह रहा है सवाल में, ए प्लस ए का मान कितना है 700 प्लस एन माइनस वन डी का मान 40 700 इस पर लाए घटा दीजिए 1500 माइनस 700 बराबर एन माइनस वन इंटू का आया 40 आठ सात पंद्रह 800 बराबर एन माइनस वन इंटू 40 या इसको इस पर बढ़ा दीजिए इसको इस पर भेजिए एन माइनस वन इंटू 40 बराबर का आया 800 या एन माइनस वन बराबर 800 बटा 40 जीरो जीरो और ये हो गया 20 बीस चौकासी कितना आया 20 या एन माइनस वन बराबर कितना 20 या एन बराबर 20 प्लस एक यानी कि 21 कितना आया 21 यानी 21वें वर्ष यानी कि 2021 है यानी 21 साल के बाद लिखेंगे 21वें वर्ष में आदमी की आमदनी कितना होगा 1500 रुपया होगा यानी कितना यानी कि मतलब मान लीजिए
700 से लेकर 1500 तक पहुंचने में वह कई वर्ष लगा, अर्थात कितना वर्ष के बाद पहुंचेगा जी, अर्थात 20 वर्ष बाद आदमी अधिकतम वेतन कितना है उसका 1500, अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा, वेतन पर पहुंचेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन ये मत समझिएगा, वो 20 कहाँ से आ, देखिए 21 वर्ष उसका 2100 वर्ष 1500 रुपया हो जाए, यानी कि वहां से वहां तक जाने में समय कितना लगा, तो टोटल कितना वर्ष 20 वर्ष, कितना वर्ष 20 वर्ष, क्यों, क्योंकि शुरुआत हुआ है उसको कितना 700 पर, उसको क्या मतलब है, यानी 2100 वर्ष कितना हो जा रहा है उसको 1500 रुपया, यानी कि टोटल समय कितना लग रहा है उसको 20 वर्ष, कई वर्ष 20 वर्ष। क्लियर है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 32 देखिए, कह रहा है क्या, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्ष में 600 रुपया हो जा रहा है, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 600, और 12 वर्ष में 800 हो जा रहा है, जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज याद कीजिए, ब्याज कितना है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जोड़े, यानी कि प्रथम राशि और ब्याज कितना दिया जा रहा है, ये कह रहा है कितना बताइए, चलिए समझिए, लिखेंगे कह रहे सवाल प्रथम वर्ष कितना होगा, तो मान लीजिए प्रथम वर्ष की राशि ए आपका ब्याज हो गया डी, लेकिन माना कि प्रथम वर्ष इसको मान लगे, माना कि प्रथम पद यहाँ पर दिया है क्या, जमा की राशि 4 वर्ष में, यहाँ कई नंबर सवाल है 32, T4 कितना दिया है 600, अगर लिख सकते हैं ए प्लस 3D बराबर कितना 600, समीकरण एक, ठीक है, तथा का दिया होनी 12 वर्षों में T12 कितना है 800, या ए प्लस 11 D बराबर कितना 800, समीकरण दो, समीकरण दो, ठीक है, लेकिन समीकरण एक माइनस एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, देखिए घटाना है तो ए प्लस 3D बराबर कितना आया 600, ए प्लस 11D बराबर कितना आया 800, माइनस 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 घटा रहे हैं तो कट जाएगा, ऐसे कट गया 11 में से 3 गया माइनस 8D और ये हो गया माइनस 200, ठीक है, और ये देखिए ये माइनस से माइनस काट दिए तो डी बराबर हो गया 200/8, 8×40/200 कितना आया, डी का मान डी बराबर कितना आया 40, डी बराबर कितना आया सॉरी 25/200 होता है, 25/200, क्लियर समझ में, अब चलिए आगे लिख रहा है डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो हो जाएगा, एक हो जाएगा ए प्लस का है 11×A+3, डी का मान 25 बराबर कितना 600, या ए प्लस 25 थी के 75/600, ठीक है, या ए बराबर 600-75 यानी कितना 525, 500 कितना आया 25 आया, अर्थात आप हम लिख सकते हैं क्या, कह रहा है कि जमा की गई राशि यानी कि पहला वर्ष उसमें जमा कर रहा था उसको, यानी शुरुआत में जमा कर रुपया किया है 500 रुपया, कितना कहाँ है ₹500 का है, देख लीजिए अतः प्रारंभिक राशि बराबर 525 है ना, 525-25 यानी कितना 500, अब ब्याज कितना हो गया 25 रुपया, आंसर यहाँ तक समझ में आया, एक और तरीके से देखिए शॉर्ट लिखता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन शॉट लीजिए,
फिर इसके मैं दूसरी विधि बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए, ये आप उसे आपका प्रश्न आएगा सर एक मान 525 है, तो फिर आप काहे 500 लिखे, क्यों? देखियो प्रारंभिक राशि करें उसका शुरुआत में बैंक में जमा कितना करे, तो वो 500 रुपये तो प्रत्येक एक महीना बढ़ गया, तो 500 रुपये हुआ, 500 में से ब्याज कितना लेना होगा 25 रुपया, तो कितना है 525 है ना, तो 500 में से 25 घटे तो कितना है, 525 में से 25 घटे तो कितना है 500 है, कितना है 500। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक और तरीका इसको बताऊंगा। चलिए देखिए वही सवाल देखिए फिर से 32 नंबर, अथवा में दूसरा तरीका 32 कह रहे क्या वही बैंक में जाता, मान लीजिए माना कि मूलधन बराबर, माना कि मूलधन बराबर x, ठीक है, तथा ब्याज बराबर y, यही प्रश्न से x प्लस 4y बराबर कितना 600, समीकरण एक, तथा फिर कह रहा है और क्या x प्लस कितना कह गो 12 कितना 12 वर्ष, तो 12y बराबर कितना 800, कितना है 800 है, समीकरण दो लेंगे, समीकरण एक माइनस दो, समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 4y बराबर 600, एक्स माइनस एक्स प्लस 12y बराबर कितना 800, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये देखिए चिन्ह बदल दिए हम, अभी भाई सी भाई जी कट गए और ये घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना 8y, आई हो गया माइनस 200, घटाएंगे तो 25 वाट कितना आएगा 200, 25 वाट है 200, तो वाई बराबर क्या आएगा 25, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखिए तो एक है एक्स प्लस 4 × 25 बराबर कितना 600, या एक्स बराबर एक्स प्लस 25 × 100 बराबर 600, या x बराबर 600 − 100 कितना 500, अतः इससे डायरेक्ट आ गया आंसर, मूलधन बराबर कितना आया 500, तथा ब्याज प्रतिवर्ष कितना जोड़ रहा है 25 रुपया का, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चैप्टर का लास्ट सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल देखिए कह रहा है क्या, ये हम लोग का सवाल है 33। एक आदमी अपने ऋण की अदायगी यानी कि कर्जा लिया है तो प्रथम किस्त में 100 रुपये देता है और महीना महीना उत्तर कर रहा है कितना 500 रुपये वृद्धि करते जाता है, यानी पहला बार 100 रुपया, दूसरा महीना 105 रुपया, तीसरा बार 110 रुपया, चौथ का 115 रुपया, इसे करके 5-5 रुपये बढ़ाते जा रहे, तो तीसरे किस्त में कितना यानी T30 पर कितना देगा, वो T30 पर कितना देगा, तो चलिए 33 बहुत आसान, यहाँ ए बराबर 100, प्रथम बार में 100 और बढ़ा कितना रहा है 5 रुपये का पूछ रहा है, T30 पूछ रहा है का होगा, तो लिख रहे हैं चूंकि TN बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 × D, और TN का वैल्यू एन का वैल्यू का रखना है 30, तो T30 बराबर तीसरे पद पर पूछ रहा है कितना, तीसरा वर्ष में तीसरा किस्त देगा तो कितना देगा, यानी कि 100 प्लस 100 − 1 अगुण है 5, यानी कि 100 + 99 × 5 यानी कि 100 + 9 = 45 के 5 × 9 = 45 और 45 × 4 = 49, एक मिनट सॉरी बोल गया, पेन का मान तो 30 पर रखने के लिए तो घट गया तो 29 × 5 = 45 5 × 10 = 14 एंड टोटल कितना 245, यानी कि 29 किस्त में वो कितना देगा 245 रुपये देगा। बहुत आसान है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, हाँ इस वीडियो को बार बार देखिए और ये चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको सभी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तभी जाकर मैं और भी अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा बढ़िया से समझाने का, ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर, आप वीडियो को बार बार देखिए, जय हिंद जय हिंद दोस्तों।